हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू करियर सेटिंग अगेन। आज फिर से आपके सामने हम आए हैं एक नया वीडियो लेके, नए टॉपिक को लेके, उस पर बात करने। दोस्तों, आप लोगों से बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी कि लॉ पे कुछ वीडियो बनाइए, लॉ पे कुछ वीडियो बनाइए, तो उसी के साथ हम आए हैं लॉ के रिलेटेड सब कुछ आपको बताने। आपको बता दूँ, लॉ एक ऐसी फील्ड है जो कि बहुत ही पॉपुलर आज से नहीं, कई जमानों पहले से रही है। आपको पता होगा कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो लीगल सिस्टम भी वो अपने साथ लेके आए थे, एजुकेशन सिस्टम लेके आए वो। उसके बाद पूरा एक अलग तरीके का पैटर्न जो सिविल सर्विसेज का होता है वो लेके आए थे। उसी के साथ एक बड़ा जो सिस्टम इंडिया में आया था वो आया था लीगल सिस्टम। और लीगल सिस्टम के आते ही लॉयर की पैदाइश बढ़ने लगी इंडिया में, अलग अलग तरह के मतलब केसेस आने लगे और उसको सॉल्व करने फिर लॉयर्स की तादाद बढ़ने लगी। तो ये सब कुछ हो रहा था। और आपको ये भी पता होगा कि गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे जिन्ना हो, ये सारे लोग जो फ्रीडम फाइटिंग में एक बहुत बड़ा योगदान अपना दे चुके हैं, सारे लोग एक उस ब्रीड से आते हैं जिन्हें लॉयर कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वही बात करेंगे आपको कि कैसे ये सब होता है, क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। एवरीथिंग विल कीप इन फ्रंट ऑफ यू। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको एग्जैक्टली करना क्या पड़ता है। दोस्तों, 12 के बाद आपको 3 साल के लिए, 12 के, अभी थोड़ा गौर से सुनिएगा, 12 के बाद 3+2 ऐसे 5 सालों का एक कोर्स होता है जिसको बोला जाता है लॉ LLB। अब आप BA LLB भी कर सकते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएगा वो। BA LLB मतलब इफ़ यू आर 10+2 उसके बाद यू गो विद द BA स्ट्रीम और फिर LLB, साथ में 5 साल का कोर्स होगा। आपको बता दो, आप BSc LLB भी कर सकते हो, आप BCom LLB भी कर सकते हो, बट यूजुअली ज़्यादा मात्रा में जो किया जाता है वो होता है BA LLB। ये 5 साल का कोर्स होता है। पहले खैर इसके एग्ज़ाम नहीं हुआ करती थी इंट्रांस को ही, अभी इसके एक एग्ज़ाम है जिसे सिलेक्ट बोला जाता है। इंट्रांस एग्ज़ाम में यूजुअली आपको 4 मुद्दों पे आपके वो एग्ज़ाम होगी। लॉजिकल रीजनिंग होगा, जनरल नॉलेज होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा और आपका लैंग्वेज का टेस्ट होगा। तो इस पर पूरी एग्ज़ाम रहेगी, उसको नेगेटिव मार्किंग रहती है। और एक बार आपका ये एग्जाम हो जाए तो आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो होती है, नेशनल लॉ कॉलेजेस जो होती है, उसमें एडमिशन मिल सकता है। आप पहले सबसे ज्यादा कोशिश कीजिए कि नेशनल लॉ कॉलेजेस में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिले। अगर नहीं मिलता है तो फिर टॉप 10 जो कॉलेजेस है उसमें आप ट्राई कीजिए। उसके बाद फिर आपके शहर की कोई भी जो अच्छी कॉलेज होगी उसमें आप एडमिशन लेने के लिए ट्राई कीजिए। तो ये तो रही बात 10+2 की, 10+2 के बाद जो आपको लॉ करना है। इसके अलावा अगर आपने ऑलरेडी बैचलर कर लिया है किसी भी फील्ड में हो, फिर चाहे वो इंजीनियरिंग हो, फिर चाहे वो BA हो, BSc हो, BCom हो, एनीथिंग, उसके बाद भी आप लॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद जो LLB रहेगा वो 3 साल का रहेगा। मतलब अगर 5 साल का अगर होता है तो वो इंटीग्रेटेड कोर्स 10+2 के बाद आपका बैचलर प्लस LLB हो जाता है। और अगर आपका बैचलर कंप्लीट है तो उसके बाद सिर्फ 3 साल का कोर्स रहेगा और वो आप किसी भी फील्ड में आने के बाद भी कर सकते हो। मतलब ये नहीं कि BSc के बाद नहीं कर सकते, आप BSc के बाद भी कर सकते हो, BCom के बाद भी कर सकते हो और BA के बाद तो कर ही सकते हो। तो ये होगी पूरी बात कि कैसे करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सब। अब आपको बात करते हैं कि एग्जैक्टली लॉ आपको कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर लॉ में भी बहुत वैरायटी है, लॉ में ज़रूरी नहीं कि आपको एडवोकेट बन के वहाँ पे जाके केसेस ही लड़ने हैं, ये ज़रूरी नहीं है। आप कंसल्टेंट बन सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो जिनके दिमाग में ये आइडिया आता है कि लॉ या लॉयर होना इसका मतलब यही है कि आपको कोर्ट में जाके केसेस लड़ने होंगे और उसके लिए आपको बहुत अच्छे से लैंग्वेज आनी चाहिए, बहुत अच्छे से डिफेंड करना आना चाहिए, ये सब नहीं है, ठीक है। इसके परे है, इसके बहुत बियॉन्ड है लॉ का पूरा स्टडी जो है। तो होता क्या है आपको बता दो, जैसे जैसे मैं आपको इसके करियर ऑप्शंस बताऊंगा तब आपको रियलाइज़ होगा कि जो हम सोच रहे हैं उसके बहुत आगे जाके ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो सबसे पहले तो एक बार अगर आप लॉ कर लिए हो तो इसके बाद आपको एक बार काउंसलिंग के एग्जाम, बार काउंसिल के एग्ज़ाम होती है, वो एग्ज़ाम देनी पड़ती है, उसके सर्टिफिकेट आ जाते हैं। देन यू कैन बी, यू कैन आल्सो डू प्रैक्टिस ऑफ लॉ। अब आपको बता दूँ इसमें क्या क्या अपने पास करियर ऑप्शन रहते हैं। तो सबसे पहला जो करियर ऑप्शन रहता है कि आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर बन सकते हो। आपको जो सबको पता होगा कि केसेस वगैरह जो लड़ने होते हैं ये सब करना होता है, ये आपको पता होगा। आपने कुछ मूवीज़ है जिसमें आपने देखा भी होगा, जैसे कि
कि कुछ लीगल मूवीज़ होती है, जॉली एलएलबी एक टू बहुत ही फेमस हुई थी, तो उसमें आपने एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा जो आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि आपकी जो इवन अगर आप लॉ करते हो तो इसके बाद तुरंत आपकी बड़ी लेवल पर प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट होती है, तो आपको किसी के अंडर पहले काम करना पड़ता है, फिर आपको एक अपनी चेयर मिलती है और उसके हिसाब से आपका काम स्टार्ट होता है। इसमें वापस से दो चीज़ें हैं, एक तो आप प्राइवेट एडवोकेट बन सकते हो या फिर किसी और गवर्नमेंट के एग्जाम देके फिर गवर्नमेंट लॉयर बन सकते हो, सो दोनों भी अलग चीज़ें हैं। तो आई होप ये वाला डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद बात करेंगे हम कोई लॉयर के परे फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो है कि कंसल्टेंट। आपको पता होगा कि लॉ में अभी एक और फील्ड बहुत ज़्यादा सामने आती है, वो है कंसल्टेंट। कंसल्टेंट में क्या होता है कि केस को आप कोर्ट में जाने से पहले ही निपटा लो, उसको आप सेटल कर लो, तो इस सेटलमेंट के लिए भी आपको एक लॉयर की ज़रूरत होती है और यहाँ पे वो लॉयर लीगली सब कुछ चीज़ें हैंडल कर लेता है, जो भी आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं सब कुछ वो सब हैंडल कर लेता है और वो आपके जो इश्यूज़ है वो भी सॉल्व करता है, उसको रिजॉल्व करता है और उसको सेटल करता है। तो इस तरह के भी लीगल कंसल्टेंट की बहुत ज़रूरत होती है। और अगर आपको बता दो कि कॉर्पोरेट लॉयर का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। कॉर्पोरेट लॉयर में क्या होता है कि कोई भी कॉरपोरेशन अगर दूसरे देश में जा रही है, दूसरी कंट्री में जा रही है और अपना सेटअप कर रही है, तो वहाँ के बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस होते हैं। अब ये लीगल कंप्लायंसेस उस कॉरपोरेशन को नहीं पता होगा, तो वो एक ऐसे लॉयर हायर करते कि वो सारा उनका लीगल जो भी मैटर हो वो सारा देखे। आपको पता होगा इवन एक अगर फिल्म शूट होनी है तो उसके लिए बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस होते हैं। अगर एक फैक्ट्री बननी है, एक फैक्ट्री का ही सेटअप होनी है, तो उसके सारे लिए बहुत सारे लीगल कंप्लायंस होते हैं। तो कंपनी ये हेडेक अपने सर पे नहीं लेती है, ये एक या तो कंसल्टेंट हायर कर लेगी या तो अपना ही कॉर्पोरेट लॉयर हायर कर लेगी जो कि पूरे कॉर्पोरेट लॉ जितने भी है उसके जो कंप्लायंस है उसको देखेगा और उसके साथ एक और कुछ दो चार लोगों की टीम होगी जो ये सब करेगी। तो कॉर्पोरेट लॉयर ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपांडिंग फील्ड है। अगर आपको लगता है कि हमें कोर्ट में जाके नहीं करना है बट हमको बाकी की सारी चीज़ें करती है, तो कॉर्पोरेट में भी लॉ का बहुत बहुत ज़्यादा अभी स्कोप बना रहता है। इसके बाद मैं बात करूँगा इसके जो अगली बात है वो, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कि अभी आपने देखा होगा कुछ सालों पहले एक BPO का जमाना था, आज जमाना है KPO का। KPO क्या होता है? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब आज अगर आप लॉयर हो, आपके पास अगर वो नॉलेज है, तो आप एक जगह पे बैठ के, मतलब मान लो अगर आप इंडिया में हो और आपको लॉ का पता है, आपने अगर लीगल स्टडीज की है बहुत सारी चीज़ों की, तो आप एक जगह पे बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी इंसान को आपकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। आज ये नहीं रहा कि आपको वहाँ पे लीगली प्रेजेंट होना है, तो जो भी कंसल्टेशन करना है, ये जो भी करना है वो सब आप करवा सकते हो। और लीगल मैटर्स ऐसे हैं जो बहुत टेक्निकल है, जो लोगों को ईजिली समझते नहीं है, तो आप वहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। पीपल विल बी रियली हैप्पी टू टेक योर सर्विसेज, और अगर आप उसको कम चार्ज में प्रोवाइड करो तो दिस विल बी अगेन यूनिक बिजनेस मॉडल। लॉ में भी एक बिजनेस मॉडल आप तैयार कर सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद हम बात करेंगे कि बहुत सारे जो बीकॉम के बाद लॉयर लॉ करते हैं, लोग बीकॉम हो गया या फिर CS की पढ़ाई करते हुए लॉ करते हैं, ये ज़्यादातर टेक्निकलिटी जो टैक्स रिलेटेड टैक्सेशन है या फिर आपका जो रिवेन्यू वगैरह है, इसमें जो भी लॉ के कंप्लाइंसेस आते हैं उसमें मास्टरी करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको एक बहुत बड़ा चांसेस बना रहता है। अब इसके और आगे जाके देखते हैं तो एकेडमिक्स में बहुत बड़ा आपके लिए स्कोप खुला हुआ है। एकेडमिक्स में तो बहुत ज़्यादा स्कोप खुला हुआ है, चाहे फिर वो आप कहीं भी एज अ प्रोफेसर लोगो लॉ के या फिर कहीं भी एज अ गेस्ट लेक्चरर बन सकते हो आप। इसके बाद भी अगर आपको बताऊं मैं तो आप बहुत जगह पे लीगल जो इनके बहुत बड़े बड़े एसोसिएशंस होते हैं उनको हेल्पिंग हैंड दे सकते हो आप, उनके लिए भी बहुत काम कर सकते हो, आपको अपना कोचिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो एकेडमिक्स में तो इमेंस स्कोप है लॉ को देखते हुए। और इसके और अगर आगे जाके बात करें तो लॉ में बहुत सारी NGOs कुछ काम कर रही है जहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे लॉयर्स को साथ में रखा है और वो ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोगों के केसेस हैंडल करती है जो खुद अपने लिए या तो लॉयर हायर नहीं कर सकते या लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते या उतने लॉयर कैसे काम करता है उनको नहीं समझता है। तो कुछ सारे NGOs ये भी काम कर रही है और उसमें भी आप अच्छे से काम कर सकते हो एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड गुड अमाउंट ऑफ मनी, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। इसके बाद आपको और बता दूँ, इंटरनेशनल लॉ एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हो तो आप यू कैन बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज वेल एज यू कैन बी यू नो वर्क एज एन इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट।
बहुत सारे एनजीओज हैं, इंटरनेशनल एनजीओज हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गई, जैसे WTO हो गई, ये बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे भी लॉयर की ज़रूरत होती है। बट ये होना चाहिए कि आपको इंटरनेशनल लॉ की आइडिया होनी चाहिए, तो वहाँ पे भी आप एज ए कंसल्टेंट लग सकते हो। इसके अलावा लॉ के बाद आपको अगर आपका LLB हुआ है तो एक एग्ज़ाम आती है, वो एग्ज़ाम दे के आप जज भी बन सकते हो। तो डायरेक्ट अभी पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, बट अभी एकदम से एंट्री ओपन कर दी है जहाँ पे नए लड़के एक यंग जनरेशन के लोग आके उसमें एंट्री कर पा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो इस तरह का पूरा ये पूरा इको सिस्टम है लॉ के रिलेटेड। इसके अलावा भी देखिए, इट्स नेवर लाइक 2+2=4, यहाँ पे 2+2=44 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट इट। सो जितने मैंने कोर्सेज बताए, जितने मैंने करियर ऑप्शंस बताए, इसके अलावा बहुत बड़ा एक आपके सामने पेंडोरा बॉक्स पड़ा हुआ है। यू जस्ट हैव टू फिक्स समथिंग और आपको पता चलेगा कि आपने एक नई करियर ऑप्शंस खोल दी है, एक नया करियर पाथ बना लिया है। तो पूरी तरह से ये सब जो मेरे बताने का मकसद था कि आपको क्लियरिटी मिले, जिन जो लोग सोचते हैं कि आपको बहुत अच्छे से बोलना आना चाहिए तभी आप लॉ कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आई होप वो वाली क्लियरिटी आपको मिल गई होगी। हाँ, आपके कुछ स्किल है जो ज़रूरत होती है इसमें, एनालिटिकल स्किल अच्छा होना चाहिए, आपको सोच आपकी अच्छी होनी चाहिए कि कहाँ पे किसको क्या मैच करेगा, जो इन्वेस्टिगेटिव माइंड है वो आपका होना चाहिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस फील्ड में। अगर वो नहीं भी है तो फिर बहुत सारे और भी लॉ के रिलेटेड ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे और भी वीडियो देखने के लिए, और कमेंट में हमें लिख के बताइए कि किस तरह के वीडियो आप देखना चाहेंगे और क्या आपको इस वीडियो से देख के समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।